तो भले सभी लोगों का स्वागत है गाइज आज के नए वीडियो के अंदर। तो फाइनली 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 गाइज आपके भाई को ट्रॉपिकल पैरेट के रिटर्न की ना गाइज कंफर्म डेट मिल चुकी है। गैदर 100 फॉर्म डेट, ठीक है। अभी तक गाइज मैं आपको लिख सकते हैं दिवाली के आसपास देखने मिलने वाली इतनी सेल की इतनी तारीख देखने मिलने वाला है या फिर आपको थोड़ा डेट भी आगे पीछे हो। इस वीडियो के अंदर आपको एकदम कंफर्म बताऊंगा एंड गाइज उसका मैं वेब इवेंट भी कंफर्म बताऊंगा। तो बस कहते वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना एंड कहते कोई भी दोस्त अगर चले पर नहीं रहोगे ना। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग यार आपके भाई का चैनल है, अगर गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भैया आगे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देने। छोटा सा गिवे ज्वाइन करने के लिए आप सभी को करना कुछ नहीं, अपने प्यारे प्यारे हाथों से गाइस बस इस वीडियो को लाइक कर देना जो कि किसी भी वीडियो को लाइक कर सकते हो। दूसरा मेरा कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना गाइस, क्योंकि यार ये करना एकदम कंपलसरी करना क्योंकि यार आपको आगे और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ में गाइस आपको कोई प्रॉब्लम आती मैं उसके आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और हाँ गाइस आप लोग नाइट उठने एलिजिबल होने के लिए बस आपको कमेंट देना है, जैसे आप लोग कमेंट करो अपने एलिजिबल हो जाओगे जिससे आप लोग मेरे मैच जब टिकेन। तो बस सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट कर देना, हम लोग करते हैं वीडियो को। जैसे कि सुनो जानते हो गाइस कि अपने ना यहाँ पर एक अपने AR-94 आने वाली ईवो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड गाइस यहाँ पर कुछ आइटम्स निकल के आए, जैसे कि गाइस हमारे एकदम मतलब जहर वाले गाइस बाइक आई है जिसका लुकिंग ही भाई अलग ही लेवल की, ठीक है। तो आप सभी लोग देख पा रहे हो गाइस हमारी जो बाइक की स्किन की लुकिंग है ना भाई आउट ऑफ लिमिट, मतलब गाइस सीरियसली फर्स्ट ऐसी बाइक की स्किन है जो कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है। और भाई इसने तो गाइस हद ही पार कर दी एकदम मैदान से, मतलब स्किन है भाई सीरियसली मैं तो स्किन को निकालूंगा कुछ भी हो जाए। भले गाइज अपन लोग बाइक वगैरह कम चलाते हैं अपने गेम के अंदर, फिर भी गाइज यार बहुत ज्यादा अच्छी स्किन बनाई गई ना फिर मैंने। ये गाइज हमारे जो AR-94 आने वाली ना वो उसी से रिलेटिव है, उसी के कोलैब से है। तो आपको ये जब मतलब कि वो अभी आएगी ना हमारे OV-37 अपडेट के बाद आएगी ना, तो तभी आपको हमारी ये वाली बाइक की स्किन प्लस हमारी ईवो AR-94 की स्किन भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज अभी काफ़ी सब्सक्राइबरों का ये क्वेश्चन हुआ कि अपने यहाँ पर मतलब AR-94 अभी नहीं आएगी तो उससे पहले भी कौन से आएगी, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताऊँ गाइज अपने ईवो M4 M1 गाइज वो उसकी डेट कन्फर्म हो चुकी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा एकदम 100% श्योर है। अभी गाइज मुझे 90% कन्फर्म है, 10% कन्फर्म नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट मुझे 100% कन्फर्म होते मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अभी कैसे लीक्स वगैरह ये निकल के आ रहे गाइस कि अपना जो मतलब कि नेक्स्ट OV-37 अपडेट आने वाला ना उसके अंदर गाइस आपको ऐसा एक इवेंट देखने को मिलने वाला है, जैसे कि आप जानते हो गाइस जैसे मैंने अभी तक अपने अकाउंट में टॉप अप नहीं किया है तो मैं पहली बार जब भी टॉप करूंगा ना, मतलब मैं एग्जाम को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब भी गाइस पहली बार टॉप अप करूंगा ना तो मुझे उसके ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अभी गाइस हमको क्या मिलता है, बस एक थॉमसन की स्किन मिलती है, बट कुछ ही दिनों बाद हमारे यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स है ना गाइस वो अपडेट होने वाले हैं। यहाँ पर ना गाइस आपको ज़्यादातर चांसेस निकल के कि आपको एक स्किन मिल दी जाएगी, मतलब एक परमानेंट स्किन दी जाएगी, कोई लेजेंडरी या फिर नॉर्मल सी हो सकती है, बट हाँ इतनी है कि थॉमसन तो नहीं बट हमारी M1887 या फिर M10 की या फिर ना गाइस हमारे MB40 और गाइस हमारे AK-47, ठीक है। इन चार पांच की गन की स्किन में से ना आपको एक स्किन दी जाएगी ना, आप एक डायमंड का टॉप अप करोगे, ठीक है, तब आपको ये दी जाएगी। तो समझ लेना भाई, मतलब कि एक डायमंड के टॉप पर अपन को इतनी सारी इवेंट मिलेगी, पहले अपन को जहाँ पर टॉप अप इवेंट है वो कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद पहली बार जिंदगी में अगर टॉप करेंगे ना, जिंदगी में भाई क्या मतलब कि पहले गेम में टॉप करेंगे ना तब जाके ये रिवॉर्ड मिलेगा। और गाइस आप सभी जानते हो कि जब भी रिवॉर्ड अपडेट होते हैं ना तो आपका ये माना जाएगा कि पुराना मतलब कि पुराना रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा, बस ये माना जाएगा कि आपने इस अपडेट के बाद कितनी बार टॉप गेट गए। अगर जैसे कि आप अपडेट OV-37 का अपडेट आया और उसके बाद ही गाइस आपने पहला टॉप करा ना तो आपको वो रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब अपना फ़ायदा ही है। तो अपना ये जो अपडेट है ना इसके बाद ही वाले जो आइटम्स वगैरह है ना ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं और अपडेट्स के बारे में जो कि काफ़ी मज़ेदार सी अपडेट है। जब अपडेट की बात हो ही रही है तो गाइस अपना एक ऐसा इवेंट रिटर्न आने वाला है जिसकी मतलब कि भाई अलग ही लेवल की लिमिट है, ठीक है। जैसे कि असल यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हो अपना बुइया डे बंडल रिटर्न आने वाला, भैया जो ईवो बंडल है बुइया डे का वो अपने रिटर्न आने वाला अपने गेम के अंदर। और सीरियसली गाइज ये जो इवेंट होने वाला मतलब इस बार का जो बुइया का इवेंट होने वाला वो मतलब बहुत ज़्यादा लेवल खतरनाक होने वाला है, क्योंकि गाइज इस बार बुइया 2.0 का इवेंट होने वाला है जिसमें आपको फिर से एक बार एक और बताया जा रहा है कि लेजेंडरी बंडल देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब कि कोबरा बंडल तो है, फिर रैम्पेज का बंडल है, उसके बाद बुइया डे बंडल प्लस एक और बुइया डे का बंडल देखने को मिल सकता है जो कि हमारे इस ईवो वाले बुइया डे बंडल को कर देने वाले, ठीक है। तो सीरियसली गाइस बहुत तगड़ी अपडेट आने मतलब कि बहुत तगड़ा इवेंट आने वाला अपने गेम के अंदर जो कि गाइस हमारा बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। और आई थिंक ये दिवाली खत्म होती वाला इवेंट स्टार्ट हो जाए पूरे नवंबर भर यही चलेगा, ठीक है। तो सीरियसली गाइस ये जो आपको बुइया डे का 2.0 इवेंट देखने को मिला ये बहुत ज़्यादा लेजेंडरी मतलब खतरनाक से एकदम वेब इवेंट बोल सकते हो।
तो ये आपको देखने को मिलने वाला गाइज आई थिंक नवंबर के टाइम पे, ठीक है। और हाँ, नवंबर के टाइम पे ना अपना एक रिडीम कोड भी आने वाला, मतलब कि FWS FFIC FFPL तीनों स्टार्ट होने वाले हैं नवंबर के टाइम पे। ये आज सभी लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे एक बहुत तगड़ा रिडीम कोड देखने मिलेगा। फिलहाल उसके यहाँ पे गाइस बैनर वगैरह निकल के आए ना, तो वही मैं आपको एक बार दिखाया था। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पर आपको जो बैनर और अवतार देखने मिल रहे हैं, ये गाइस हमको बिल्कुल ही फ्री मिलने वाले, ठीक है। आप लॉग इन ईवेंट पे मिल सकते हैं, या फिर हमको रिडीम कोड के तौर पर भी मिल सकते हैं। तो ये गाइस हमारे FFPL FFIC FFWS सभी देखने को मिलने वाले, और FFW विंटर वेकेशन वाला भी आने वाला है। तो भैया मतलब कि आपको नवंबर के टाइम पे गाइस रिडीम कोड्स मिलना वापस से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्म है गाइस, गेनर ने खुद ही न्यूज़ दी है कि आपको अपना ये सभी जो जितने भी एफएफपीएल टूर्नामेंट्स हैं ना, ये सभी रिटर्न देखने को मिलेंगे। और अगर इनकी प्राइस पूल की बात करें गाइस कि इनका प्राइस पूल लगभग कितने का हो सकता है, तो उससे बताने से पहले मैं आपसे बता दूं गाइस कि आपको ना ये हमारा बैंकॉक वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, और ये 25 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच फाइनल होने वाला, ठीक है। और इसमें गाइस काफ़ी सारी टीम्स होगी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अपने यहाँ पर मतलब देखो, नो इंडिया है, नो नेपाल और नो बांग्लादेश, मतलब कि तीनों जो देश है ना, मतलब जो तीनों सर्वर्स हैं ये तीन रहेंगे। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा हमारे नवंबर के टाइम पे, ठीक है। आई मैं गाइस इसके ऊपर और रिसर्च कर रहा हूँ, काफ़ी सारे मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूँ, तो बस सब्सक्राइब जो से कर दें, लाइक जो से। चलिए तो बात करते हैं फाइनली गाइस हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल पैरेट के बारे में। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई आगे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बटन को ऑल पे सेट कर देना। मुझे अपनी ट्रॉपिकल पैरेट की स्किन है ना गाइस, उसके बारे में बात करते हैं कि वो कौन से इवेंट में आने वाली है, ठीक है। उसके बाद मैं गाइस को आपकी कंफर्म डेट बता दूंगा एंड कितनी डायमंड खाएगी, ठीक है। तो अपनी जो ट्रॉपिकल पैरेट की स्किन है ना भैया, ये सीरियसली गाइस आपको एक ऐसे इवेंट देखने मिलने वाले जो कि यार सभी का फेवरेट, ठीक है। अभी गाइस मैं आपको कंफर्म लीक्स वगैरह दे रहा था, बट इससे मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ये गाइस हमारे विश इवेंट में ही देखने को मिलने वाली है। दिवाली विश इवेंट जो हमारा आने वाला है 24 तारीख को दिवाली गाइस, उससे पहले हमारा विश इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर गाइस आपको ट्रॉपिकल पैरेट के साथ हमारे पुराने जितने भी लेजेंडरी बंडल्स है ना, लेजेंडरी गन की स्किन्स है ना, जैसे कहते हैं हमारा ब्रेक डांसर बंडल हो गया, और गाइस हमारे लोकेश गेमर का बंडल हो गया, और गाइस मतलब ऐसे ETC बहुत सारे ऐसे जो बंडल जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, तो वो भी आपको उसके अंदर रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। साथ में बनिए भी 40, और गाइस हमारे काफ़ी सारे ऐसे गन की स्किन जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, तो वो भी आपको उसके अंदर रिटर्न देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब गाइस बात करके डायमंड कितने खाएगा, तो मैं आप सभी की संतुष्टि के लिए बता दूं भैया, इसके अंदर गाइस ये सीरियसली विच इवेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक इवेंट है। इसके अंदर वही स्पिन कर सकता है जो कि यार मतलब कि जिसने ठान लिया कि भाई निकालना चाहिए, मैं कंगाल हो जाऊँ, ठीक है। तो विश इवेंट के मिनिमम आपको मैं कम से कम नहीं बताऊँ ना, तो ये गाइस आपके कम से कम ना मेरे भाई मतलब 1500 तो डायमंड खाएगा, ठीक है। 1500 डायमंड तो मिनिमम चाहिए किसी भी गन की स्किन को निकालने के लिए या फिर बंडल निकालने के लिए। और अगर मैक्सिमम डायमंड की बात करके लास्ट कितने खाएगा, तो भैया 3500 डायमंड। मैं सीरियसली कहीं मजाक नहीं करो, मैंने अभी तक जितने विश इवेंट देखे ना, मेरे खुद के डायमंड प्लस मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर छोटे छोटे लोगों के मतलब सब्सक्राइबर के गए सभी के मैंने डायमंड देखे ना भाई, 3500 से ज़्यादा कम तो मतलब ज़्यादा खाया ही नहीं है, ठीक है। 3500 लास्ट ऐसे आपके डायमंड नहीं खाएगा लगभग, अगर आपकी किस्मत बुरी हो तो भैया उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट इतनी लिमिट तो चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको डायमंड बता दिया, इसके कन्फर्म इवेंट बता दिया। अब गाइस बात करते हैं कन्फर्म डेट के बारे में, तो इसकी जो देखो गाइस गेना के हिसाब से ना गाइस ये जो लीक्स वगैरह मुझे मिली हैं, प्लस में गाइस मैंने जितने भी सर्च कराया, काफ़ी सारे यूट्यूबर से बात करी है, तो उसके हिसाब से गाइस की जो डेट है 21 अक्टूबर निकल के आ रही है, ठीक है। ये 21 अक्टूबर के मॉर्निंग में 4 बजे या फिर 9 बजे भी हो सकता है, और हो सकता है रात के 12 बजे इवेंट आ जाए, बट 21 तारीख को ही गाइस हमारा दिवाली विश इवेंट देखने को मिलने वाला है। और जब जैसे तो जानते गाइस कि अपनी पिछली बार भी जो दिवाली आई थी ना, उससे 3 दिन पहले ही गाइस अपना इवेंट आया था, इस बार अपनी 24 तारीख को दिवाली है, तो उससे 3 दिन पहले गाइस हमारा ये जो विश इवेंट है ना, ये देखने को मिल जाएगा अपने गेम के अंदर। सीरियसली बहुत ज़्यादा खतरनाक इवेंट होने वाला है, ठीक है। एंड इसका मैं प्री एक्सेस भी करने वाला हूँ, एक से दो दिन के अंदर मैं एक प्री एक्सेस करके ऑलरेडी मतलब पूरा भाई जितने डायमंड लेंगे मैं सबका एकदम डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई इतने डायमंड लेंगे, ऐसा इवेंट होने वाला है, मैं पूरा उसका रिव्यू कराऊंगा। तो बस गाइस सब्सक्राइब जो से कर देना, वीडियो लाइक जो से कर देना, गाइस गिवअवे जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड अगर मुझे आगे भी और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं जरूर शेयर कर दूंगा, तो बस सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, एंड गाइस सब्सक्राइब गिवअवे जरूर ज्वाइन कर लेना। सो गाइस मिलते हैं इसी वीडियो के साथ।